उसमें रखो ना, उसमें रखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम, कैसे हमसे अब जी, अभी शाम का टाइम हो रहा है, इतनी शदीद भूख लग रही थी, मैंने चनों का सालन गर्म किया, सारी रोटियां बनाई हैं, गैस आ गई शुक्र है, फिर घर में रोटियां बनाई हैं, मैंने कपड़े धोए अभी, कपड़े चेंज किया सारे गीले हो गए, इतनी भूख लग रही, मेरे में हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कपड़े छत पर डालो, तो मैंने कहा पहले रोटी बना के खा लेती हूँ। चावल पड़े हुए थे, दाल चावल जो बनाए थे उनके चावल पड़े थे, और साथ ठंडा दही था, मुझे एकदम से इतनी भूख लगी मैंने वो डाल के खा लिया, मुझे नहीं पता अंदर क्या गड़बड़ होनी है, क्योंकि बहुत ठंडे थे, अल्लाह माला के अभी चाय पी लेंगे ऊपर सही हो जाएगा, जब भी रोटी खा ले अपनी घी वाली बनाई, क्योंकि गैस इतनी तेज नहीं थी, तो फिर भी रोटी बन गई, तो फिर ऊपर जाके अपने कपड़े डालते हैं। जी हाँ जी, तुम भी कुछ कह लो, क्या कहना है? लाइक करना। कपड़े धोकर मैंने सेंध धोया था, फिर मैंने कमरा भी धो लिया बाहर से, किचन वगैरह भी सारा कुछ धो लिया, और ये दरबारी का सेंध भी धो लिया, और वो चार पाई पे ना कपड़े पड़े हुए हैं, तभी सारे कपड़े उठाते हैं और ऊपर छत पे डाल के आते हैं, वैसे भी देखिए अंधेरा होने वाला है, तो इससे पहले पहले फ्री हो जाते हैं, फिर आके अपने लिए ना तेज पत्ती वाली चाय बनाओगे, जो ताकि थकन है ना थोड़ी सी दूर हो जाए, तो वर्दा को उठाती है ऊपर लेके चलते हैं, कपड़े डालते हैं, आओ बेबी ऊपर चले कपड़े डालने, आ जाओ आ जाओ। इस क्या मैं इसको मैंने दो बार कपड़े चेंज कराए, कपड़े धोते थे दो बार नीचे आ गए, जब ये नीचे आते थे फिर नान के शाम होते थे, मैंने कहा उसको मोबाइल पे कार्टून लगा दो, फिर ना फालतू फजूल ज्वेलरी पड़ी, थोड़ी सी मैंने इसको बॉक्स में डाल के खेली, फिर ये स्कून से खेलती रही, तो फिर मैंने कपड़े धोए और सेन वगैरह धोया, फिर बस ऊपर डालने हैं कपड़े, मैं ऊपर ले आई हूँ, मैं जितने ही लेके आई हूँ इतने नीचे पड़े, मैंने कहा दो बार ले जाती हैं, वर्दा को नान के हवाले करके आई हूँ, मैंने कहा आज ही मशीन लगा लेती हूँ, यूना के कल हमारी लाइट जानी है 8 बजे से लेकर दोपहर 2 से 3 बजे तक, तो बाहर का मौसम ऐसे बड़ा अच्छा, आपको दिखाती हूँ, जैसे गर्मियों का मौसम नहीं होता, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अल्लाह देखिए हमारे मालूम खानों का हर कनेक्शन है, ये नलके भी लगे, स्विच स्पिनर सर कुछ आ सकते हैं, धोते नहीं हैं हम, जैसा का होता है कि मैंने मैं तो ऊपर ही मशीन लगा ले कर, हमें नीचे से ऊपर कपड़े डालना आना पड़ता, सांस भी चढ़ जाता, थकावट भी हो जाती, टांगे दर्द होती हैं, तो जिन्हें सुकून में असर है वो फ़ायदा नहीं उठाते हैं, बस यही ना हर बंदे की अपनी मर्जी है, देखिए जी पतंग आई हुई है, पर वो इधर आके टूट फूट गई, फट गई सॉरी, तो अभी जी अपने कपड़े डालती हूँ सारे, फिर चल के चाय शाय बनाएंगे, बहुत अच्छा मौसम है गर्मियों वाला, गर्मियों में ऐसी हवा को हमें तरसा करना है, नीचे तो हमारे कमरे में वैसे बहुत गर्मी होती है, अल्लाह की हमें पैसे ना, हम तो कसम से AC लगवा ले, कमरे में बहुत गर्मी होती है, हमारे कमरे में बिल्कुल बंद है, ये हमारा एरिया पूरा, मैं वो दिखाती हूँ वर्दा और हनान इधर से, वो देखें जरा पापा साइकिल हनान की गाड़ी साइकिलें चला रहे हैं, तो मैं जल्दी से अपने कपड़े डाल दूँ, आ जाओ सैफा चले जल्दी आ जाओ, कपड़े मैंने सारे डाले, बेडशीट यहाँ पर डाल दी, और जो जराबे हैं ना वो मैं नीचे डाल दूँ, तभी नीचे चलते हैं चार पाई उठा दें, चल के अपने लिए चाय शाय बनाते हैं, वही बहुत भारी इनकी चार पाइयाँ हैं, बाजी कहते मेरे ब्याह नहीं आने, चलो आ जाओ सैफा चले जल्दी, चलो जल्दी चलो, बहुत सर्दी हो रही है, नीचे चल के चाय शाय बनाते हैं, मगरिब के जाने भी स्टार्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम, कैसे हैं आप जी? सुबह सुबह का टाइम वसीम कह रहे हैं, उठे मुझे ना ट्रैक सूट की शर्ट ला के दें, कल मैंने कपड़े धोते उनका जो ट्राउज़र वो नीचे डाल दिया, कहीं वो गलती से ऊपर डल के मुझे पता नहीं लगा, कह रहे हैं वही पहननी है, आगे फजर के बाद की मैंने 7 बजे मुझे नींद आई, नींद नहीं थी आ रही, तो बच्चे अभी सो रहे हैं, हुज़ैफ़ा उधर सो रहा, ये मेरी शहजादी सो रही है, ये देखे सुकून से, फिक्र ना फाका, तो चलते हैं पर नाश्ता नहीं करने का, नाश्ता मैंने कहाँ पे जाया करना है, बल्कि रात को घर के लिए भी ना चावल और मसालन लेके आए थे, उनके घर बताए थे ना गेस्ट आने थे, उन्होंने खाना छाना बनाया था, मैं भी उसी से नाश्ता करूँगी, चिकन का सालन का था, इतना बड़ा ना नाक पे दाना बना, इतना बड़ा बिल्कुल इधर इधर नौ कोका इसी बराबर का यहाँ पे दाना बना हुआ है, इतना रात को मुझे नज़ारा भी नहा रहे, मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ, इतना नज़ला रहा है ना वो देखे नीचे, मैंने डबल ना खेस तय लगा के ना फिर ऊपर तकिया रखा, मैं लेटू नाक में से इतना पानी निकले, मैंने कल आपको बताया ना ठंडे चावल खा लेते, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई, सारी रात ऐसे नाक में से पानी आता रहा, तो अभी चलते हैं जी ऊपर जाके जनाब के लिए ट्रैक सूट की शर्ट लेके आते हैं, अब ये दरवाज़ा खोलते हैं, बहुत तेज धूप है, पता नहीं मैंने किधर डाला ये पड़ा, ये ले जी, यही पहन के जानी थी यार, घर की सारी सफाई करके जी बच्चे उठ गए, बच्चों को कपड़े चेंज करवाए हैं,
तो अभी मैं नाश्ता बना कर लाई हूँ अपने लिए, वही जो मैंने बताया था ना वसीम सालन लेके आते चिकन का सालन ना, आंटी ने थोड़ा सा दिया था, चावल काफी ज्यादा दिए थे क्यों ना कि वसीम कह रहा कि ऑफिस में ना फ्रिज नहीं है, तो आंटी कहती है वहां पे उन्होंने ना वो रखी हुई अम्मा कुकिंग करने के लिए, तो कहती वसीम बेटा सालन भी खराब हो जाना चावल भी, मैं अपने लिए रख लेती हूँ बाकी आप ले जाओ। मैंने वसीम से कहा आपके ऑफिस में वैसे फ्रिज होनी चाहिए, कह रहे थे हमारे बॉस कह रहे हैं कि गर्मी आएगी फिर इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, और ये मैंने इतना मजे का सालन बना, से कहते ना सही लजीज वो है। तभी अपना नाश्ता करते हैं जायफा के लिए, अपनी रोटी बना के लिए जायफा को दही डाल दिया, थोड़ा सा ये दही बता था जैफा के दही में से ये मैंने रख लिया, मैंने कहा सालन का साल लगा के खाऊंगी, वो कितना हंसी समझ आई है आपको, ये भी नाश्ता करने लगी है। तो अभी जी हम लोग अपना नाश्ता करते हैं। क्या हुआ बेबी, क्या वो वाली जूती पहनी? मैंने ना ये वाली जूती पहनाई है। अच्छा क्या लेना मुझे बताओ क्या लेना, क्या कहती वो वाली जूती मुझे पहना, इसके ऊपर भी बटरफ्लाई लगी हुई थी मेरी शहजादी ने, ये भी दोनों बटरफ्लाई उतार दी है ना, और इसके ऊपर भी जो बना हुआ था फ्लावर ये भी बटरफ्लाई टाइप था वो भी मेरी शहजादी ने उतार दिया। ये पहननी है आपको, ये पसंद है आयशा? देखिए जो मैं अपनी बेटी की ईद के लिए बड़ी प्यारी प्यारी ऐसी जूतियां लेके आऊंगी, ठीक है ठीक है, पर कोशिश करूंगी जिसके ऊपर ये चीजें ना लगी हुई ये उतार देती है, ये मेरी है। लो जी नाराज हो गई ये लो ले लो। अच्छा मैं पहनाती हूँ, मैं अपनी शहजादी को ये जूती पहनाती हूँ, लो उतार दो जी, उतार दो उतार दो, दूसरी पहनाते हैं एनो जी ताल दी है। क्या करो जी छोटे छोटे से पाँव, ये पाँव बड़े गंदे हैं, ये पाँव बड़े गंदे हैं हाँ जी ठीक है मैडम जी, जूती पसंद है ये? वाह आय हाय आय हाय आय हाय ये देख ले अभी छोटे छोटे ही, नहीं कितना पता कौन सी चीज पहननी और कौन सी नहीं पहननी। ये रख दो अब मैं, मैडम जी रख दो अगर आपका ऑर्डर हो तो। जी बिल्कुल जी, हम इधर रख देते हैं चारपाई के नीचे, ठीक है चलो आ जाओ नीचे आ जाओ गंदा बच्चा मेरा, आय हाय आय हाय आय हाय अब क्या हो रहा है, अब मामा पे प्यार आ रहा मुझे आगे बच्चियां डाल ले, चल डाल ले बच्ची रोटी खा रहा, इतना बड़ा होगा जब रोटी खाएगा जल्दी जल्दी, कैमरा कितना ब्लर हो रहा है ना, अभी रोटी खाई ना मेरे शहजादे ने मोबाइल पकड़ा तो। चलो जी कहूँ कहता कहो, दोनों बहन भाई खेल रही हैं, तो मैंने जो कपड़े धोते ना कल आधे इधर डाल दिए थे इन तारों पे, मुझे ना ऐसे लग रहा था ना जैसे ना बारिश हो जाएगी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी, फिर मैंने कहा बारिश हो गई तो वो तो कम मैं कपड़े ले आऊंगी, फिर ज्यादा होगा तो गिले ना हो जाए, फिर मैंने यहाँ पे डाले पर टोटली सूख गया, यहाँ से ये वाले तार लो, फिर जाके ना जो ऊपर कपड़े है ना धूप में ना वो सारे तार ले, धूप इतनी तेज है ना वो जैसे गर्मियों की धूप नहीं होती सेम वैसी है, ऐसे चुभ रही है धूप में कड़े हो तो ना हमारे सिर में हल्की फुल्की आई हुई है, तभी कपड़े उतारते हैं रखते हैं फिर ऊपर से अपने और कपड़े लेके आते हैं। अभी मैं ऊपर आई थी, मैंने कहा ऊपर से भी सारे कपड़े उतार लूँ, मैं कहा तो धूप में बैठ जाती हूँ, जापा भी मेरे साथ ही ऊपर आया है ना, मेरा बड़ा हाँ कपड़े, चलो जी कपड़े उतारते थोड़े धूप में बैठ के फिर हम लोग ना जाएंगे अम्मी की तरफ, दो तीन दिन हो गए अम्मी घर गई नहीं, नहीं गई बहन भाइयों का पता नहीं करके आई, हाँ ये जाता है नानू घर पे है ना, नान भाई साथ जाता है तो नान भाई भी अम्मी घर गया वह रात का, तो फिर कपड़े वगैरह उतार लेते फिर नीचे जाएंगे, इतनी ठंडी हवा चल रही है धूप का भी कोई पता नहीं लग रहा, इतना कसम से नज़ला तबीयत खराब हो रही ना बहुत ज़्यादा, ना करो छोड़ दो जैफा मेरा भी ला ला कर ना उधर बेडशीट के ऊपर कपड़े रख रहा है, फिर नीचे लेके चलेंगे, ना कर हाथ गंदे हो जाएंगे, आ जा सारे कपड़े उतार ले, थोड़े मैंने डाल दिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो गया आपको बताया था ना, तो फिर मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिया बाकी मैंने नीचे डाले थे, तो उतार के फिर हम लोग चलते हैं। अरे अल्लाह जी अभी हम लोग आए अम्मी की तरफ, अम्मी की मशीन नहीं यहाँ पे लगी होती ना, वरना अम्मी यहाँ मशीन रख के बैठी होती है ना, जब आगे फिर दोबारा से अम्मी का वही काम चलो ना, मशीन 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 ना, पहले से मैं बुकिंग करवा के दी है कि मेरी उम्र पर जाना था, आ जाओ बेबी आ जाओ इधर देखो बेबी बैट बॉल खेलने लग गया मेरा शहजादा है, चलो बड़े होके खेलो बैट बॉल, बेबी वो इसकी घड़ी है तोड़ना दे नीचे, अच्छा नहीं वो चलो खेलो, ये दोनों हम उम्र ही लगते हैं, ये कितनी देर का भला, दो साल का या डेढ़ साल की, अच्छा 5 महीना का ही फर्क, आए हाय 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 हीरो आया हमारा, सवा 2 साल का माशा, ये मेहंदी नहीं है
चलो बेबी चले घर। सारे अपने गाड़ी साइकिलों के साथ खेल रहे, तो अभी टाइम हो रहा है हमारे जाने का, हम लोग चलते। ओए अल्लाह, वो बाजी का बेटा कह रहा है मैंने स्पाइडरमैन वापस कर दिया, तो वो रो रही कहती जो तेरे हाथ में, वो भी मुझे अल्लाह उसने भी गुस्से में फेंक दी। भाई कह रहे मेरे वापिस कर दो, आप घर जा रही हो, भाई का स्पाइडरमैन वापिस कर दो, दे दो बहनी को। आए लो बहनी नाराज होगी, बहनी के रिकाट है, बहनी दे भी बड़े नखरे ने, ये लो नाराज होगी। आ जाओ चले जल्दी आओ, आओ मेरा बेटा चले, आ जाओ घर चले। शाबाजी जी कह रहा था, चलो 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 आ जाओ घर चले, आ जाओ।